जी मेरे वालों सारयां प्यार भरी सत श्री अकाल। अज मैं थोनों दसन जा रहा कि मैनू अज तो 10-12 साल पहला एलर्जी की प्रॉब्लम सी, जिसनों एलोपैथी दे विच साइनस या साइनोसाइटिस बोलिया जाता है। 10-12 साल पहला मैं काफ़ी इसकी मेडिसन खाधी तो मैं एलोपैथी दे विचों ट्रीटमेंट लिया। जिदा आप नॉर्मल मेडिसन यूज़ करते हैं लेवोसेट्रिजन मोंटिलुकास्ट तो मैं काफ़ी मेडिसना खादियाँ तो मैनू उस नाल कोई भी फर्क नहीं पिया। उस तो बाद एक मैनू ENT दे डॉक्टर मिले तो मैं उन्हां कोल गया तो उन्होंने मैनू एक नेजल स्प्रे ते एक लेवोसेट्रिजन मोंटिलुकास्ट की टैबलेट ला दी। तो जिन्ना चिर मैं वह खाधी चलो मैं ठीक रहा, मैनू काफ़ी वधिया रिलीफ मिलिया। तो जदों सीजन चेंज हुंदा सीगा, जदां कोई मौसम चेंज हुंदा सीगा, मैनू फिर तो एलर्जी की प्रॉब्लम आ जांदी सी। तो मैं मेडिसन अपनी कंटिन्यू रखता सीगा, जिहड़ा मेरा ट्रीटमेंट चलता सीगा एलोपैथी दे विचों लेवोसेट्रिजन मोंटिलुकास्ट ते नेजल स्प्रे वगैरह लैंदा सी। तो उहदे नाल कुछ टाइम रिलीफ रहिंदी सीगी। तो फिर दोबारा कुछ 4-5 महीने बाद जदों वैदर चेंज हुंदा सीगा तो फिर तो मैनू यह एलर्जी की प्रॉब्लम दोबारा आ जाती सीगी। तो चलो मैं मेडिसन काफ़ी साल लगातार 10 साल तो मैं मेडिसन खाँदा गया। तो एक अजिहा समा आया कि जदों 2020 लॉकडाउन दे विच मेरी प्रॉब्लम इन्नी ज़्यादा वर्स हो गई कि मैं डॉक्टर को गया तो उन्होंने मैनू एंटीबायोटिक दे दिती। तो एंटीबायोटिक दे नाल एक स्टीरॉयड तो एक एंटीलर्जिक तो एक नेजल स्प्रे, 4 मेडिसन मैं यूज़ कीतियाँ। चलो उन्हां नाल वह लेके मैनू 10-15 दिन दे विच रिलीफ मिल गया। बट हर एक जदों सीजन चेंज हुंदा सीगा तां मेरी जिहड़ी प्रॉब्लम सीगी वह बहुत ही ज़्यादा वधदी जांदी सीगी, इन्नी ज़्यादा वधदी जांदी सीगी। मैनू ये विशा मेरे लिए एक बहुत ही चिंताजनक विशा बन गया कि यह मेरी लाइफ दे विच प्रॉब्लम ठीक हो जां नहीं हो। तो मैं ये इस चीज़ नू लैके मैनू बहुत ही डर पैदा हो गया कि यह प्रॉब्लम ठीक होने वाली है या नहीं, सारी जिंदगी मेरे नाल ही रहूगी। तो चलो मैं काफ़ी टाइम तो आयुर्वेदिक दे फॉर्मूलिया सारे अप्लाई करता सीगा अपनी लाइफ के पिछे, मैं आयुर्वेदिक नू बहुत ज़्यादा फॉलो करता सी। चलो पहला मैं थोड़िया मेडिसना जिदा सीतोपलादी चूर्ण, टंकण पशम वगैरह, लक्ष्मी विलास रस वगैरह, काफ़ी चीज़ा आयुर्वेदिक दी मैं यूज़ कीतियाँ, बट मैनू कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं मिली। बहुत थोड़ा तुम कह लो कि 20-30% मैनू आयुर्वेदिक ना रिजल्ट मिले। बट मेरा आयुर्वेदिक दे विच बहुत ज़्यादा विश्वास सी कि अगर कोई भी अपने कोई बीमारी आ जे उन्हूं मतलब क्योर करना तो आयुर्वेदिक ही बेस्ट है, सब नू पता है थोनू। तो चलो मैं आयुर्वेदिक दे विच विश्वास रखिया। तो मैं थोनू एक ना 2-3 एक औजार दिखाना चाहना कि जिन्हां नाल मेरी लाइफ दे विच बहुत वड्डा चेंज आया, तो मेरी पूरी टोटली लाइफ चेंज हो गई है। मैं थोनू वो 2-3 औजार दिखाना चाहना। सब तो पहला तो मैं ये जल लेती वाला पॉट दिखाना चाहना थोनू। मैं इस ये जल लेती करता रहा लगातार, तो योग भी किया, अनुलोम विलोम भस्त्रिका कपाल भाती। तो चलो मैं महीना 2 महीने लगातार करता गया, तो मैनू फिर भी कोई ये ज़्यादा कोई रिलीफ नहीं मिली। तो मैं सोचा कि मेरे कोई होर ऑप्शन नहीं, तो मैं ये भी ट्राई कर चुकिया। उस तो बाद चलो मैं लास्ट स्टेज पर सोचा, अज तो कुछ 5-6 मंथ पहला मैं सोचा, मैं डिसाइड किया कि चलो मैं इनू प्रॉपर तरीके डायग्नोज करवा के देखदा कि नक् दे विच की प्रॉब्लम आ। चलो मैं 3-4 एलोपैथी डॉक्टर की सलाह ली, उन्हां कोल विजिट किया, तो उन्होंने मैनू यही आख्या कि सर तुहाडे जिहड़े साइनस ने सारे साइनस तुहाडे ब्लॉक हो चुके ने, इसका अपने कोल होर कोई सल्यूशन नहीं है, तुसीं जस्ट एक इसकी सर्जरी करवा सकते हो। तो मैं उन्होंने सवाल किया कि अगर मैं सर्जरी करवा लवांगा तो कि मैं प्रॉपर इस चीज़ को क्योर कर पाऊँगा। तो वह कहते हैं कि सर क्योर का तो पता नहीं, बट तुसीं हले फस्ट स्टैप यह है कि जो थोड़ा नैजल ट्रैक जिहड़ा थोड़ा बंद है इनू एक बार क्लीयर करो, तो उस तो बाद देखांगे फिर इनू मेडिसन नाल आपां कंट्रोल करते जावांगे। लेकिन बट उन्होंने ये नहीं कहा छोटी नाल कि असी इसनू प्रॉपर क्योर कर दवांगे।
तो मेरे मन के फिर डाउट आया, मैं सोचा कि अच्छ सर्जरी करवा लवागा, अगर दोबारा प्रॉब्लम फिर आई तो मैं सोचा कि इसका हल एवें तो नहीं किया जा सकता। चलो मैं यूट्यूब से फिर दोबारा उस दिन तो ही फिर सर्च कर लग गया कि कोई ना कोई उपाय तो होगा इसका। चलो मैं सर्च करता गया तो यूट्यूब पर मैं वीडियो सर्च की, तो थोड़ा मैं कुछ रबड़ नीति बारे पता चलिया कि रबड़ नीति नाल अपने नक की क्लिनजिंग की जा सकती है। तो मैं मैं प्रॉपर उसका मैथड नहीं पता सी, तो मैं यूट्यूब पर जो वीडियो देखी ना, एक चैनल शो होया मेरे को, उस चैनल का नाम सी रोशन योगा। तो वह सर चंडीगढ़ 23 सैक्टर के योगा सेंटर कॉलेज के प्रोफेसर ने, तो मैं उन्होंने वीडियो देखी। चलो मैं उस तो बहुत मैं काफ़ी इंस्पायर होया, मैं कुछ टैक्नीक का पता लग्या कि वो रबड़ नीति असी कि कर सकते हैं, पर देखण दे विच ते करन दे विच काफ़ी ज़्यादा मैं टफ लगी। फिर मैं सोचा कि ये मेरे लिए अपने आप करना पॉसीबल नहीं है, तो मैं फिर सोचा कि किसी की सुपरविजन के अंडर करना यह जरूरी है। तो फिर मैं उस सर का उन्होंने अपना वीडियो कंटैक्ट नंबर मैनशन किया, फिर मैं कंटैक्ट नंबर कट के उन्होंने कॉल की, तो सर नाल मैं गल की, उन्होंने मैं अपनी सारी प्रॉब्लम दसी कि इदा मैं 10-12 साल तो साइनस की प्रॉब्लम है सर, कि ये योग नाल ठीक हो सकती है। तो उन्होंने सर ने मैनू बड़े ही वधिया तरीके नाल दसिया कि ठीक हर एक चीज़ का योग आयुर्वेदिक दे विच जरूर सोल्यूशन आ, पर आपां नूं थोड़ी पेशेंस रखनी पैंदी आ कि टाइम लगता, पर हर एक बीमारी इहदे विच क्योर है, विश्वास रखना पैंदा। चलो मैं सोचिया कोई गल नहीं कि लास्ट ऑप्शन तो अपने को सर्जरी की हैगी, अगर ठीक हो गए ठीक है, नहीं तो फिर सर्जरी करवा लवेंगे। चलो मैं उन्हां सर को चला गया, तो उन्होंने मैनू नाल दी नाल थोनू मैं दिखाउणा कि मैं की चीज़ वरती सी, मैं आ यूज़ कीती सी, इहनू रबड़ नेती बोलदे आ, तो मैं ये यूज़ की। मैं सर दी उत्थे गया सर कोल, तो उन्होंने मैनू करवाई अपने सुपरविजन के अंडर। 2-3 दिन मैनू काफ़ी प्रॉब्लम रही, क्योंकि जो भी नक् दे विच कोई मास बधिया होया सी, नेजल पॉलिप वगैरह होंदे ने, जदों फुट जांदे ने तां फिर ब्लड वगैरह आउंदा। 2-3 दिन काफ़ी मैनू प्रॉब्लम रही, तो फिर मैं सर नाल गल करता रहा, उन्होंने कंटैक्ट दे विच रहा। मैं लगातार 1-1.5 महीना करता रहा, तो मैनू काफ़ी बहुत ज़्यादा फर्क पै गया, बहुत ज़्यादा फर्क की मैं कह सकता कि 100% ही मैनू फर्क पै गया, क्योंकि 4-5 महीनों तो मैं कोई मैडिसन नहीं ली। जिदा हुण वैदर चेंज होया, सर्दी लंघी है, गर्मी स्टार्ट होंदी सी ना, जिदा मौसम जो मतलब सीजन का टाइम होंदा सी, जिदा क्रॉपिंग सीजन होंदा सी किसी भी फसल का, जिदा हुण साढ़े गेहूं की कणक की कटाई हुई है, तो मैनू यह प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वध जांदी सी, इत्थों तक कि मैं नक राही अपने राही स्मैल भी नहीं कर पाउंदा सी, 1-1 महीना 2-2 महीने 3-3 महीने स्मैल भी नहीं कर पाउंदा सी। बट जो मैं 1-1 महीना रेगूलर की, तो मेरा नोज़ नेजल ट्रैक बिल्कुल ओपन हो गया, तो मैं हुण बिल्कुल बहुत वधिया अच्छा कैंड फील कर रहा। सो मैं सारिआं नूं यही कह रहा कि अगर किसी नूं एवें दी प्रॉब्लम है एलर्जी दी साइनोसाइटिस दी, तां जरूर तुसीं योग आयुर्वेदिक दी हैल्प लो, ते तुसीं वधिया जिंदगी माणोगे, ते तुसीं तंदुरुस्त रहोगे। सारिआं नूं सत श्री अकाल।